तो फाइनली यहाँ तक तो रोड बन चुकी है और ये मशीन अभी कर रही है आराम। दिन का टाइम है तो आराम कर रही है, रात में करती है काम, तो इसलिए दिन में आराम भी जरूरी है इसको। और कुछ इस तरह से मशीन लगी हुई है और इस साइड में देखिए पूरा यहाँ से इसे बनाने के लिए तैयारी चल रही है। रात में रोड बनाई जाएगी और सामने रोलर भी चल रहा है जो पूरा रोड को चौड़ीकरण में दबाने का कार्य करता है। कुछ इस तरह के रोलर खड़े हुए हैं, ऐसे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट चल रहा है अयोध्या में, हर तरफ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ये देखिए रोड यहाँ पर ऐसे ही चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो यह देवपाली से रोड जाती है चौक की तरफ, उसका चौड़ीकरण ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर। ऐसे देखिए काफ़ी जाम वाम लगता था, उसे निजात पाने के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए ऐसे ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जेसीबी लगी हुई खोदने कार्य कर रही है निरंतर। तो ऐसे ही सामने है ये ओवर ब्रिज। नमस्कार, जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है एक और नए डेवलपमेंट वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को हम दिखाएंगे जो रीडगंज से लेकर देवपाली तक रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। इस समय हम हैं ओवरब्रिज के पास, ये रीडगंज से आगे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे एक ओवरब्रिज बन जाएगा और इसके जहाँ ब्रिज ख़त्म होता है वहीं से चौड़ीकरण हो रहा है। पूरा देवपाली तक जो बाईपास जाता है वहाँ तक हो रहा है। तो आप लोग सब कुछ दिखाएंगे, चलिए आरंभ करते हैं, दिखाते हैं। देखिए हम ब्रिज को क्रॉस करने वाले ही हैं, ऊपर आ चुके हैं पुल के मेन ऊपर और यहाँ से पुल डाउन होना शुरू हो जाता है। और सामने से ही यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कार्य, काफ़ी मतलब हो चुका है और काफ़ी मोटी सी रोड बनी है आरसीसी की, वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इस समय आप लोग को अयोध्या में हर तरफ चौड़ीकरण और डेवलपमेंट देखता रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और एक तरह से समझिए कि 2024 में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का शुभारंभ होना है, तो उससे पहले हर तरफ की कनेक्टिविटी का ध्यान रखते हुए काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। तो इसी कड़ी को यहाँ का जो भी रोड चौड़ीकरण है कुछ इस तरह से किया जा रहा है। ये देखिए मोटी सी आरसीसी की रोड बनी है, अभी ताज़ा ही बनी, मतलब 2-3 दिन हो गया है। अब धीरे धीरे इसको लोग चलना शुरू कर दिए हैं, बाइक वाइक लेके चढ़ा लेते हैं बगल से ऐसे ही और हम भी चढ़ाते हैं इसे और आप लोग को दिखाते हैं। चलिए दिखाते हुए ले चलते हैं। और इस साइड आप लोग को रिलायंस का स्टोर मिल जाएगा, बड़ा सा रिलायंस डिजिटल का है। और ये रोड काफ़ी अच्छी सी बनी है, मोटी सी है और साइड में आप लोग को नाला देखने मिल जाएगा। आरसीसी वाली रोड बन गई है, कुछ दिन के फुर्सत हो जाएगी क्योंकि आए दिन यहाँ पर बड़ा ही पानी बरसात होती थी तो गड्ढे उड्ढे हो जाते थे, तार को लेने में दिक्कत होती थी। पहले भी क्या आरसीसी की बनी थी लेकिन बीच में जब टूट जाती है तो वो दिक्कत होती है, वहाँ पर पानी भरने लगता है और तार को रहता है तो बहुत जल्दी वो गड़बड़ होने लगता है। और ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रक टाली जा रहा है, इस समय ट्रक टाली हर तरफ दौड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का घर वर टूट रहा है, मलबल निकल रहा है तो सब भी ढूंढने का काम कर रहे हैं ये लोग। और एक साइड तो रोड काफ़ी बन चुकी है, अभी इस तरफ से यानी जब पूरी कंप्लीट कर लें जिस साइड हम चल रहे हैं तो दूसरी साइड के रोड का बनने का कार्य शुरू किया जाएगा। चलिए देखते हैं और आगे कहाँ तक बन गई है। इससे पहले जो अपडेट देते वहाँ पर हम लोग को देवपाली का जो मंदिर है वहाँ तक बन गई थी और उसके आगे मतलब तैयारी चल रही थी, इस बार देखते हैं कहाँ तक हुआ है कार्य। और रोड तो इस साइड वाली ठीक ठाक बनी है और यहाँ सब पूरा ऐसे ही दिखे, काफ़ी चौड़ी हो गई है रोड, दोनों तरफ से चौड़ी हो रही है और बगल में नाला रहेगा, दोनों साइड में नाला बना हुआ है और इस पर बोरा वगैरह बिछाया गया था, कुछ बोरा इसमें चिपक गए हैं। ये देखिए कि लोग चल रहे हैं तो जो बोरा तैयारी करने के लिए डाला गया था कुछ बोरा इसी में चिपक भी गए हैं। और इस साइड में आप लोग को देखें खुला सा काफ़ी बड़ी एरिया में साइड में है और इस साइड पूरा लोगों का आगे से कुछ टूटा हुआ है, सड़क यहाँ सब टूटा हुआ है जो चौड़ीकरण में आया है। और यहाँ पर एक बड़ी सी मनुजा की बिल्डिंग थी, उनका आगे बाउंड्री वाल था, वो भी कुछ हिस्सा उनका टूटा था, बाउंड्री वाल पीछे हो गया है। और इस तरह से दोस्तों अयोध्या का देखिए विकास और डेवलपमेंट चल रहा है और यहाँ से देखिए जाम लगा हुआ है। तो इस साइड में रोड बन रहा काम आगे चल रहा होगा, इस साइड में फोर व्हीलर वाले और रिक्शा वाले कितने जाम लगे हुए हैं और हम साइड चल रहे हैं इसलिए हम तो निकल जा रहे हैं। और ये बड़ी सी बस भी खड़ी हुई क्योंकि दोपहर का समय है, छोटा है स्कूल, 4 बजे के आसपास का टाइम है ये। और दाएँ हमारे बाएं हाथ पे ये जो रास्ता जाता है इसे आगे यहीं पर ये देवकाली मंदिर, देवकाली माँ का जो प्रभु श्री राम की कुलदेवी मानी जाती हैं। तो कुछ इस तरह से जाम से निजात मिलने के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं भविष्य में ताकि जाम कम से कम लगे। और क्योंकि काफ़ी बेस्ट रूट है ये, काफ़ी लोग इधर से आते जाते हैं और इस साइड से आगे क्योंकि इसको आगे जाके राम पथ में लिंक भी है और ये जो रोड जा रहा है हमें लगता है इसका भी चौड़ीकरण होगा और इधर से भी आप लोग जाएंगे तो सीधा राम पास चले जाएंगे देवकाली मंदिर होते हुए। देखिए फ्यूचर में इसके भी होगा चौड़ीकरण पक्का है क्योंकि जो राम पास से इतनी लिंक रोड है सबका चौड़ीकरण किया जा रहा है।
ये देखिए इस विद्या मंदिर की बस जा रही है और थोड़ा सा जाम से हम भी फंसे थे, अब निकल रहे हैं और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह यहाँ से पूरा इस साइड में काफ़ी टूटा हुआ है लोगों का। देखिए पूरा ये बांस बल्ली लगा के अपना नया निर्माण कार्य चल रहा है और यहीं से हम लोग अपनी बाइक करते हैं, नीचे उतारते हैं क्योंकि आगे से अब रोड का यहाँ से अब आप लोग को उतारना ही पड़ जाएगा। तो हम भी उतारते हैं इसे अपनी बाइक और फाइनली हम नीचे आ चुके हैं दूसरे रोड पर जो पुरानी वे उस पर चल रहे हैं और साइड देखिए काफ़ी करीब 10 इंची मोटी रोड होगी और यहाँ भी ताज़ी ताज़ी बनी है तो इसलिए बोरा और पानी देखने को मिल जाएगा। इस पर बोरा पड़ा हुआ है और पानी भी डालते रहते हैं ताकि रोड पक जाए अच्छे से, सीमेंट वाला जो स्ट्रांग हो जाए काफ़ी। कुछ इस तरह से दोस्तों देखवाली के आसपास का नज़ारा है और काफ़ी जाम वाम लगा हुआ है, इसी जाम से निजात पाने के लिए सब चीज़ें की जाएंगी। रोड बन जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी तो कुछ हद तक रोड से मतलब जाम से निजात पाया जाएगा। और साइड काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है और यहाँ तक ये देखिए अपना ये डिवाइडर मतलब जो लगाते हैं और इसके आगे भी रोड बन चुकी है तो यहाँ से अभी लगता है रात में ही बनाए हैं। और कुछ इस तरह से है, इस साइड में पेट्रोल पंप है और यहाँ से काफ़ी जाम लगा हुआ है तो आराम आराम से हम चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस साइड से आते हैं लखनऊ या गोरखपुर से और अयोध्या चौक को जाना चाहते हैं तो इस रूट से जा सकते हैं, देवकाली बाई पास से उतरिए और सीधे से आ जाइए, आगे अयोध्या चौक मिल जाएगा और वहीं पे बगल में रामपथ लिंक है, उसी से अगर उससे जाना चाहें तो रामपथ से सीधा जाके सादागंज भी निकल सकते हैं, अयोध्या की तरफ जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इतनी बड़ी सी खड़ी है मशीन जो रोड बनाने का काम करती है और रात में बनाती है, दिन में खड़ी करती है, दिन में आराम करती है मशीन, कुछ इस तरह से खड़ी है बड़ी से और रात में ये लोग अपना कार्यक्रम करते हैं जो रोड ढलाई का कार्य कहते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह बड़ी सी मशीन लगी हुई है। तो यहाँ तक तो रोड बन चुकी है जो ओवर ब्रिज के आगे से लेकर और यहाँ जो पेट्रोल पंप पहला वाला पड़ता है वहाँ तक रोड ये बन चुकी है। और कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ सब पूरा देखिए मशीन लगी हुई हैं और जो मतलब पहले लेयर की रोड बनाने का कार्य करेंगे गिट्टी डालने का, यहाँ सब देखिए पूरा से गिट्टी डाली हुई है एक तरफ काफ़ी चौड़ा करके और यहाँ ये रोलर चल भी रहा है, ये देखिए ये पूरा इसको दबाने का कार्य कर रहा है ऐसे ही और आगे गिट्टी की डालकर पूरा मतलब तैयार किया जा रहा है तो क्योंकि रात में इसके ऊपर फिर रोड बननी रहेगी। तो ऐसे ही पूरा ये खोदे हैं यहाँ से पूरा, देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से खोद कर चौड़ी सी रोड बना रहे हैं पूरा ये। और इस यहाँ पर ही पार्ले जी की बिस्किट फैक्ट्री है वो है और इस साइड में देखिए ये पूरा जो बराबर करती है मशीन मिट्टी वो लग देखिए यहाँ पूरा खुदाई कर बराबर कर उसका तब गिट्टी डालकर उसका अच्छे से रोड बनाई जा रही है तो थोड़ा सा लंबी टाइम तक चले ताकि रोड अच्छी से बने। और यहाँ पर ये देखिए भाई साहब जेसीबी लगी हुई है खुदाई के कार्य कर रही है कुछ इस तरह से ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से। और सामने दिख रहा है ओवर ब्रिज, तो यहीं ओवर ब्रिज तक ही दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो क्योंकि बस आगे तो फिर उस पार शंकरगढ़ और दर्शनगर चले जाएंगे, सीधे आप लोग जाएंगे सूर्यकुंड भी जा सकते हैं जो सूरज कुंड है वहाँ भी आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं। और यहाँ से बाएं हाथ से एक रास्ता आता है साकेतपुरी होते ये भी रामपथ चला जाता है, ये भी चौड़ीकरण इसका भी कर दिया गया, खूबसूरत बना दिया गया। तो दोस्तों ये था अयोध्या डेवलपमेंट का एक और वीडियो, तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।